हिल्स पर में को लिखकर सिद्ध कीजिए या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए। प्रश्न दो तरह से पूछ सकता है, या यह भी पूछ सकता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है या डायरेक्ट कह सकता है कि थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए। तो हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसमें देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ। तो दिया हुआ क्या क्या है कि यदि किसी त्रिभुज, तो पहले तो है कि एक त्रिभुज दिया हुआ, तो हम लिखेंगे हल और उसके बाद लिखेंगे दिया है। यहाँ पे तो ये नहीं कहा है कि ए बी सी त्रिभुज है चाहे पी क्यू आर है, तो हम सब मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो दिया हुआ त्रिभुज होगा वह ए बी सी होगा या पी क्यू आर होगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, सॉरी ए बी सी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि दिया है एक त्रिभुज कि यदि किसी त्रिभुज, तो मान लेते हैं कि त्रिभुज है, तो दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है। अब उसके बाद कहा है कि एक भुजा के समांतर, तो कोई भी एक भुजा के समांतर होगा, तो हम लिखते हैं कि जिसमें डी ई समांतर बी सी। पहले हम देख लेते हैं एक त्रिभुज को लेते हैं, जैसे मान लिया कि हमने ए बी सी एक त्रिभुज लिया, ए बी सी। अब डी ई डी बी सी के समांतर, तो बी सी है तो इसके समांतर हमने एक रेखा पार लिया। अब ये दोनों क्या है, समांतर, इसका नाम दे दिया डी और ई। तो यहाँ पर लिखे हैं डी ई समांतर बी सी। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि डी डी ई जो है ए बी को डी बिंदु पर तथा ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि तथा डी ई ए बी को डी डी पर तथा ए सी को ई पर प्रति छेद करती है। अब उसके बाद क्या करना है कि सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, समांतर अन्य दो रेखा भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी हमको सिद्ध करना है कि वो एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी हम यदि ए डी बटे डी बी ले रहे हैं तो इधर से देखिए ऊपर वाला लिए हैं तो इधर से भी ऊपर वाला लेना पड़ेगा, यानी ए ई बटे ई सी। अब उसके बाद आगे आते हैं। अब यहाँ पे सिद्ध करने के लिए हमें रचना की आवश्यकता होती है, तो हम रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, ई एन लंब ए बी। अब ई एन यानी ई से
इस पे हमने क्या किया, लंब डाला, लंब यानी 90 डिग्री का कोण बन गया, तो इसका नाम दे दिया एन। और फिर यहाँ से डी से इस पर लंब डाल दिया, इसको नाम दे दे रहे हैं हम एम। ठीक है, तो यही लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे कि ई एन लंब, ई एन लंब ए बी पर, और तथा डी एम कॉमा डी एम लंब, इसको लंब पढ़ते हैं, ठीक है, लंब ए सी खींचा, और बीई तथा सी डी को मिला दिया, यानी मिलाया, सी डी को मिलाया, मिलाया इसको इससे मिला दे रहे हैं और इसको इससे मिला दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या, यह जितना भी हम काम करेंगे इस त्रिभुज पर ही करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद रचना करने के बाद अब हम इसको सबूत देते हैं, यानी प्रमाण देते हैं। प्रमाण, प्रमाण क्या करते हैं कि देखिए, यहाँ से हमें सिद्ध करना था ए डी और डी बी, तो देखिए ए डी ई एक यह त्रिभुज बन रहा है यहाँ से, और एक डी ई बी एक यह त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये वाला। तो अब क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ये इस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, इस भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या, हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अनुपात ले रहे हैं, प्रमाण में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे, इसको यदि हम आधार ले रहे हैं, ए डी को आधार ले रहे हैं, तो ए डी और गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो इसका ए डी है तो ये ऊंचाई हो गया इसका, लंब, लंब क्या कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है, तो ई एन इसका क्या हो गया, ई एन लंब हो गया। अब उसी प्रकार डी बी, तो डी बी का क्षेत्रफल भी हो जाएगा 1/2 आधार गुणे, तो आधार यदि इसको ले रहे हैं डी बी को, आधार गुणे ऊंचाई, तो देखिए त्रिभुज ये है और इस त्रिभुज का ऊंचाई ये है क्योंकि इस रेखा पर है, तो इसका ऊंचाई हो जाएगा एन ई या ई एन, देखिए ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा ए डी बटे डी बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने के लिए कि ये जो है इस त्रिभुज का ये ही लंब क्यों हुआ, तो देखिए एक रेखा है, पहले हमको समझना है, यदि एक रेखा है और इस रेखा पर कितना भी बाहर एक बिंदु है, जैसे ई क्या है कि बाहर बिंदु है, और इस बिंदु को लेकर हम कितना भी त्रिभुज बनाएं, ठीक है, इसी को कितना भी त्रिभुज बना लें, तो सब का ऊंचाई क्या होगा, एक ही होगा, यदि यह ऊंचाई है तो सारा का सारा त्रिभुज का ऊंचाई यही होगा, इसलिए डी ई बी का भी ऊंचाई यही होगा। अब इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट, अब पुनः दोबारा से क्या करते हैं, इस तरफ आते हैं ए डी ई का क्षेत्रफल, और फिर ये वाला भाग यानी डी ई सी का क्षेत्रफल, फिर ये वाला भाग, ठीक है, एरिया इसका, तो पुनः क्या करते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार, यदि हम ये आधार ए ई आधार ले रहे हैं,
ए, तो ए इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एम, डी अब इसका डी ई सी का इसमें भी आधार हम ई सी लेंगे, ई सी, और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एम, डी एम, और 1/2 हो जाएगा आधार गुण ऊंचाई, हाफ से हाफ और डी एम से डी एम, बच जाएगा मेरे पास AE/EC, इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब एक बात और ध्यान देना है कि डी ई और बी सी दोनों क्या था, समांतर था, देखिए यहाँ पे डी ई समांतर बी सी, अब समांतर है और समांतर के बाद देखिए ये यह त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का आधार डी ई है, ई है डी ई, डी ई सी, डी ई बी, देखिए आधार अगर यही मानते हैं तो ये दोनों में शामिल है। अब उसके बाद होता है कि ये और ये दोनों समांतर है और दोनों बी के बीच में ही डी ई बी त्रिभुज है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच यदि कोई भी कितना भी त्रिभुज हो जिनका आधार एक ही होता है, फिर से देखते हैं, दो रेखाओं के बीच यदि कितना भी त्रिभुज हो, यदि उन सभी त्रिभुजों का यदि आधार एक ही हो तो उन त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वह बराबर होते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज डी डी बी ई और सी डी ई एक ही आधार डी ई पर है और समान समान समांतर रेखाएं बी सी तथा डी ई के बीच स्थित है, इसलिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे हम इसका मान इसमें पुट कर देंगे या इसका मान इसमें पुट कर देंगे, दोनों में से कोई में भी पुट कर सकते हैं, तो बराबर ये दोनों त्रिभुज का बराबर क्षेत्रफल जो है बराबर हो गया। अब फर्स्ट से फर्स्ट तब तब लिखते तब फर्स्ट से फर्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, डी बी देखिए डी बी ई का क्षेत्रफल सी डी, तो हम डी बी ई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, सी डी ई लिख सकते हैं, और सी डी ई ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मान पुट करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे, अब देखिए डी बी ई के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर आया था क्या, ए डी AD/DB, इसको मान लेते हैं थर्ड, अब क्योंकि सेकंड मान चुके हैं। अब हम क्या देखते हैं कि लिखेंगे सेकंड एंड थर्ड से, देखिए यहाँ सेकंड में ADE, तो AD और DCE, DEC, DEC दोनों क्या है, अब ये दोनों का RHS LHS दोनों का बराबर हो गया, तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा,
यानी इसलिए हम सेकेंड एंड थर्ड से डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि ए सेकेंड, सेकेंड में ए ई बटे ई सी बराबर ए डी बटे डी बी, या ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो यहाँ से देखिए यही चीज़ हमें लाना था, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी और ए ई बटे ई सी। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ या प्रूव्ड इट। ये था थेल्स प्रमेय।